हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका छोटी सी बगिया में। फ्रेंड्स, हम अपने घर की डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्लांट्स लगाते हैं और वो हमारे घर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक प्लांट है मॉस रोज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट है और एक बार लगाने पर इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स लगते हैं और पूरे सीज़न ये फ्लावर ही फ्लावर देता रहता है और फूलों से भरा रहता है, जिससे हमारे घर की डेकोरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें नोटिस किया है कि इसकी ग्रोथ कुछ रुक सी गई है, क्योंकि ये अब तक स्प्रिंग सीजन में अप्रैल एंड तक ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेता था और इसमें खूब सारे फूल खिलते थे, पर इस बारी इसमें कोई इतने ज़्यादा फूल नहीं खिले हैं और धीरे धीरे फूल निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें नोटिस किया है कि इसमें एक तरह का कीड़ा नज़र आ रहा है मुझे, जो कि इसकी ग्रोथ को रोक रहा है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह के कीड़ा लगा हुआ है सभी मोजरोस प्लांट्स में। आप और भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो इसमें लगे हुए हैं पूरे प्लांट में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह का कीड़ा है जो कि पूरे प्लांट को खराब कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने एक पेस्टिसाइड बनाया है इसको इस कीड़े से बचाने के लिए, जो कि घर में आसानी से बना सकते हैं हम लोग किचन में मिलने वाली चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस कीटनाशक को कैसे बनाना है। इस कीटनाशक को बनाने के लिए हमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए और ये छोटा सा टुकड़ा हमें गुड़ का चाहिए। बस यही दो चीज़ चाहिए हमें इसको बनाने के लिए, और ये क्वांटिटी हम 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर पानी का अगर हम कीटनाशक बनाते हैं, यही ध्यान रखना है कि गुड़ की क्वांटिटी सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, और हल्दी पाउडर हमें सिर्फ आधा चम्मच ही लेना है। अब फ्रेंड्स, हम इस 1 लीटर पानी में ये दोनों चीज़ें डालेंगे, जिससे हमारा कीटनाशक तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सिंपल वाटर है और कुछ नहीं, जिसमें हमें इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। ये हम पहले हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे, जो हमने आधा चम्मच लिया था, ये और अब गुड़ का टुकड़ा ये डालेंगे, जो हमने छोटी सी क्वांटिटी में लिया था, और अब हम इसको ढक्कन में लगाकर रख देंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट में, क्योंकि तब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आप शाम को इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप सुबह बना सकते हैं, और सुबह इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसे शाम को भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड़ एंटीबैक्टीरियल होता है, और जिस तरह वो हमारी बॉडी पर काम करता है हर तरह के इन्फेक्शन से बचाने में, ठीक वैसे ही ये कीटनाशक में मिक्स होकर प्लांट पर भी वैसे ही असर करेगा, उनको हर तरह के कीड़े से बचाने में। फ्रेंड्स, ये कीटनाशक एकदम नेचुरल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिना किसी टेंशन के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने इसको ढक्कन लगा दिया है, और अब हम इसको छायादार जगह पर उठाकर रख देंगे, और उसके बाद जब ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद ये तैयार है आपका छिड़काव करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गुड़ की क्वांटिटी अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे या अपने मन से उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान रखें कि अगर हम इसमें मीठा ज़्यादा कर देंगे और जब प्लांट में छिड़काव करेंगे, तो फ्रेंड्स वो मीठा होने के कारण हमारे प्लांट की रूट में कीड़े लग सकते हैं, और जिससे कि हमारा प्लांट खराब हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको कैसे इस्तेमाल करना है देखते हैं। फ्रेंड्स, इस्तेमाल करने के लिए हमें 1 आधे लीटर की बोतल में इसे आधा लेना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसके बाद हम इसको इस प्लांट पर स्प्रिंकल करेंगे। अब फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, अब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे इन कीड़ों के ऊपर। हमें इस तरह से इन प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जहाँ जहाँ भी हमें ये कीड़े नजर आए, और पूरी तरीके से हम प्लांट पर ही अगर कर दें स्प्रिंकल, तो जहाँ ये लगने वाले होंगे वहाँ हमारा प्लांट बच जाएगा
और इसमें आगे कीड़े नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर दिया है इन मोजरोस प्लांट्स पर और अब हम इनको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा सुबह में ही इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें उसके अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। और हमें कभी भी दोपहर में इस्तेमाल नहीं करना है इसे। हम हो सके तो सुबह में इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप इसको शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद चेक करेंगे कि इस पेस्टिसाइड का कितना असर हुआ है और हमें अभी और कितनी बारी इसको इस्तेमाल करना है इस पर स्प्रिंकल करके। फ्रेंड्स, हमें 3 दिन हो चुके हैं कीटनाशक को छिड़के हुए और आप देख सकते हैं कि ये कीड़े मरने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीड़े मरने शुरू हो चुके हैं। ये यहाँ पर ये मरने शुरू हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, हम 3 दिन बाद फिर से इसको स्प्रिंकल करेंगे और इसका और भी असर देखने को मिलेगा हमें। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये कीड़े मरने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से मरने शुरू हो चुके हैं। तो हमें अब फिर से इसको स्प्रिंकल करना है अपने प्लांट्स पर। अब हमने ये स्प्रिंकल कर दिया है, अब हम इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मोजरोस प्लांट अब एकदम कीड़ा मुक्त हो चुका है। हमने जो कीटनाशक का छिड़काव किया था वो एकदम प्रभावी है और उससे हमारा मोजरोस प्लांट एकदम कीड़ा मुक्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि मोजरोस प्लांट ने कितनी ग्रोथ भी ले ली है और वो पहले से काफ़ी हरा भरा दिख रहा है और उसमें काफ़ी सारे बर्ड्स बनने लगी हैं और फूल भी खिलने लगे हैं। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस तरह से हमारा प्लांट पहले से ज़्यादा हेल्थी हो चुका है और ग्रोथ भी हो चुकी है, क्योंकि उसमें से कीड़ा मर चुका है और वो कीड़ा मुक्त एकदम हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको दिख जाएगा कि कीड़ा मर चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये कीड़े के निशान हैं उसके मरने के, ये सफ़ेद सफ़ेद जहाँ पर कीड़ा लगा हुआ था और अब वो बिल्कुल मर चुका है। आप ये जगह जगह पर देखेंगे अभी भी सिर्फ निशान बचे हैं और हमारा जो इसमें मोजरोस प्लांट में कीड़ा लगा था वो ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये कीड़ा मर चुका है बिल्कुल और कीड़ा इसमें से ख़त्म हो चुका है। आपको ये अभी भी जगह जगह पर इसके मरे हुए कीड़े के निशान नजर आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कीड़ा आपको ये मरा हुआ दिख जाएगा। ये देखिए, ये कीड़ा मर चुका है और इसमें से खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारा मोजरोस प्लांट अब एकदम कीड़ा मुक्त हो चुका है और वो हेल्दी भी है पहले से और ग्रोथ भी उसने शुरू कर दी है लेनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मोजरोस प्लांट में भी इस तरह का कोई कीड़ा लगता है तो फ्रेंड्स, आप भी इस दवाई का छिड़काव अपने मोजरोस प्लांट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का कीड़ा अगर आपके किसी और प्लांट में लग जाता है जो कि मोजरोस प्लांट के आसपास रखे हैं, तो फ्रेंड्स, आप उस प्लांट में भी इस दवाई का छिड़काव कर सकते हैं और वो प्लांट भी कीड़ा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्लांट के आसपास जो भी दूसरे प्लांट रखे थे उसमें भी ये कीड़ा बहुत ज़्यादा फैल चुका था, तो मैंने उस प्लांट में भी ये दवाई का छिड़काव किया और वो प्लांट भी कीड़ा मुक्त हो चुके हैं और वो भी पहले से काफ़ी अच्छे हेल्दी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी और प्लांट में इस तरह का कीड़ा लगने पर अगर
इस कीटनाशक का छिड़काव करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी के प्लांट में एक काले रंग का कीड़ा लग जाता है जो बारिश के सीजन के आसपास, तो फ्रेंड्स आप उस वो कीड़ा लगने पर भी इस दवाई का आप छिड़काव अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आप इस दवाई का छिड़काव करेंगे तो वो आपका प्लांट भी कीड़ा मुक्त हो जाएगा और आपकी तुलसी भी हरी भरी हो जाएगी। या फिर किसी और प्लांट में इस तरह का कोई कीड़ा लगता है तो आप उसमें भी इस कीटनाशक को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्लांट भी कीड़ा मुक्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस कीटनाशक का इस्तेमाल आपके सामने 2 बार किया था और फ्रेंड्स मेरे इस मोजरूस प्लांट में ये कीड़ा बहुत ज्यादा फैल चुका था, जिससे कि मुझे कई बारी इसका छिड़काव करना पड़ा। और फ्रेंड्स, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस कीटनाशक का छिड़काव हमें 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही करना है, हमें जल्दी जल्दी रोज रोज नहीं करना है। फ्रेंड्स, हमें 2 से 3 दिन के अंतराल पर ही करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप इस कीटनाशक का छिड़काव करें तो कोशिश करें कि आप सुबह के समय ही इसको धूप निकलने से पहले इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको इसके और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसका शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उसमें भी इफेक्टिव है, पर अगर आप सुबह में करेंगे तो इसके रिजल्ट और भी बहुत जल्दी आपको नजर आएंगे और इसका आपके प्लांट को पूरा पूरा फायदा मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में भी इस तरह का कोई कीड़ा लगता है तो फ्रेंड्स इस कीटनाशक का इस्तेमाल करके अपने प्लांट को कीड़ा मुक्त बनाएं और उसको हरा भरा बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।